हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को इस जो टॉपिक लिखा हुआ है वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में खूब अच्छे से सीखेंगे बेटा कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है वायुमंडलीय दाब, और इसका इसके बारे में ये भी सीखते हैं अगर किसी आदमी की, किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, जबकि नॉर्मल समय में वो सही रहता है, फिट रहता है, मतलब उतना उतना ज़्यादा भारी नहीं होता। आप किसी भी, अगर कोई व्यक्ति अलाइव है, जिंदा है, आप बिल्कुल उसको उठा सकते हैं, उतनी ज़्यादा वज़न नहीं लगेगा जितना, जबकि डेथ हो जाती है तो उसको ज़्यादा जो है वज़न महसूस होता। कहते हैं ना, चार लोग उठा के ले जाएंगे, तो इस चार चीज़ों को आप समझिए, ऐसा क्यों होता है, क्यों भारी होता है, तो क्यों भारी हो जाता है डेथ होने के बाद, ये सारी नॉलेज को आप इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल ऑफ यू जहाँ भी हैं, ये जो वीडियो है आपका एकेडमिक है तो भी सही है, कॉम्पिटिटिव है तो भी सही है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम अगर पहाड़ पर चले जाएँ, वहाँ पर खाना बहुत देर में पकता है, और अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएँ अर्थ पर, जैसे हैं नॉर्मल टाइम में खाना पक जाता है, और अगर प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाते हैं तो भी क्या होता है, बहुत ही जल्दी जो है पक जाता है, नॉर्मल जितने में पकता है उससे ज़्यादा ही पक जाता है। तो इस पूरे चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को याद करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल हमारी ये कोशिश रहेगी आपको हर हालत में चीज़ें समझ में आए। ओके, तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये जो है वायुमंडलीय दाब, जो पहले हम लोग का ये जो पॉइंट है दाब यानी प्रेशर, ये क्या है स्टूडेंट्स, पहले इसको समझते हैं। दाब, तो दाब यानी प्रेशर, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सीखा जाएगा कि प्रेशर जो पी होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। यानी प्रेशर किसी, जो है आपको पहले भी बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, कि जो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर जो प्रेशर फोर्स लगेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर। यानी जैसे देखिए, ये अगर है हमारा हैंड है, इस पर हम मार्कर पूरा मतलब ओपन नहीं है, तो आप हम लोग करेंगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, और इसे ओपन करके अगर हम लोग करेंगे थोड़ा दर्द भी होगा और अंदर तक ही जाएगा, क्योंकि इसका एरिया इसके रिस्पेक्ट में कम है। समझ आ रहा है, ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर के फोर्स की यूनिट होती कितनी है, न्यूटन पर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट जो प्रेशर की होती है बेटा, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, ये सॉलिड का केस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, जो कि आप अच्छे से जानते भी होंगे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। अब हम लोग अच्छे से ये बात ध्यान देते हैं, जब हम लोग का प्रेशर समझ में आए कि सॉलिड में फोर्स अपॉन एरिया फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो ये चीज़ होता है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड होता है उसमें किस तरह का प्रेशर काम करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में जो प्रेशर होता है, सपोज करिए कि ये कोई भी ये पॉट है यानी बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जो है कितना गहराई पर पानी भरा है, आप देखेंगे जितना ज्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा डेप्थ पर हम लोग होल करेंगे उतना ही दूर ज़्यादा पानी जाके गिरेगा, यानी हाइट पर डिपेंड करती है। और ये पानी की डेंसिटी क्या है उस पर भी बेटा डिपेंड करती है। तो रो मान लीजिए डेंसिटी है, जी आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की जो वैल्यू होती है, ये लिक्विड का केस बता रहे हैं, होता है एच रो जी। क्या होता है, एच रो जी। तो ये हो गया प्रेशर किसी भी फ्लूड का, कह सकते हैं फ्लूड क्या हो रहा है, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू फ्लो, जो फ्लो कर सकती है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर इन लिक्विड। तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है P इक्वल टू एच रो जी होता है। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप लोग समझिए, प्रेशर इक्वल टू एच रो जी होता है। और अब ये जो प्रेशर होता है ये तो हो गया फ्लूड का, और इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। क्या होती है, क्योंकि फ्लूड के लिए पास्कल ला आपने सुना होगा कि सभी ज़्यादा जो वाटर होते हैं सभी स्थान पर इक्वल प्रेशर लगाती हैं, तो पास्कल ला के अनुसार ये बार और पास्कल जो है लिक्विड में हम लोग लेते हैं यूनिट किसका, जो है प्रेशर इन लिक्विड पास्कल। और सॉलिड में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो था आपका लिक्विड में, किसमें था, लिक्विड में। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रेशर इन गैस या एयर का जो प्रेशर है वो क्या होता है। तो देखिए गैस यानी हम सपोज करिए कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एयर यानी हवा है, आपको पता ही होगा एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, तो इसके ऊपर एक प्रेशर लगाती है, इसी प्रेशर का नाम क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई एयर ऑन एनी मैन थिंग्स, मैन इन क्या घर है, कोई भी चीज़ है, सारे चीज़ों पर एक प्रेशर लगता है जिसको हम लोग कहते हैं मेन जो हेडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है, अगर हम अर्थ पर हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सभी लोग खूब ध्यान समझिएगा, इसी में हम लोग सीखेंगे। जब अभी तक बने थे ये बात जानिए कि अगर कोई सी चीज़ की जो एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका शरीर क्यों ज़्यादा वजन हो जाता है, क्यों भारी लगता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से इस पर प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर कितना लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है इसकी वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार से मेजर करते हैं, बार, और एक बार में यानी वन बार इज इक्वल टू होता है 1.13 इंटू 10^5 पास्कल, पी ए लिखा जा रहा है यानी पास्कल। एक बार में इतना प्रेशर मतलब लगता है, एक बार में इतना पास्कल का प्रेशर होता है। तो हर कोई व्यक्ति चाहे वो यहाँ हो या कोई छोटा सा बच्चा हो, तो किसी भी तरह से ये हर किसी बॉडी पर एक एयर का प्रेशर लगा हुआ है, हर किसी बॉडी पर एयर का प्रेशर लगा हुआ है। वही प्रेशर चाहे हम कमरे में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, तो एक एयर का प्रेशर लगा हुआ है। तो जब ये प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, आधी तूफान में लगता ना उड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, ये सब चीज़ भी कहीं ना कहीं से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेशन में रहती हैं। तो ये चीज़ समझिए, एक बार में 1.13 इंटू 10^5 पास्कल के बराबर जो है प्रेशर काम करता है। तो हर किसी पर्सन पर ये प्रेशर लगा हुआ है। अब यह ध्यान दीजिए, हम फिर भी क्यों जिंदा हैं, जब इतना ढेर सारा प्रेशर लगा है फिर भी हम क्यों जिंदा हैं, तो हमारे अंदर भी एक ब्लड का प्रेशर होता है। आप बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर एक ब्लड का प्रेशर होता है जिसको हम बीपी कहते हैं। होता क्या है, जब बीपी जो है हमारा वही बीपी जिसे बाहर से हमको दबाया है, हमसे एटमॉस्फेरिक बाहर से हमको दबा रहा है, हमारे अंदर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो बाहर की तरफ भेज रहा है, उसको मतलब न्यूट्रल कर दे रहा है। जब ध्यान दीजिएगा, जब हम बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे शरीर के ऊपर लग रहा है, तो हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो उसको बाहर की तरफ लगा रहा है। तो भाई देखिए, आ रहा है जा रहा है तो मतलब क्या हो गया, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी हमारे ऊपर सहने की क्षमता हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक विशेष प्रेशर जिसको बीपी का प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर 80-120 आपको पता ही होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर हम क्यों इस प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे सह पाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, एक बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, यानी ब्लड का प्रेशर होता है। ओके, तो ये जो ब्लड का प्रेशर होता है इसको आप खूब अच्छे से देखिएगा, जो बीपी होता है इसको जो है हम आपको समझाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं लाश क्यों भारी लगती है। लाश मतलब जो व्यक्ति क्या हो गया है, मर चुका है, यानी मृत व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो
हमको भारी क्यों लगती है, लगती है जितना वजन था उससे भी ज़्यादा वजन बढ़ गया। और कोई बहुत हैवी व्यक्ति होता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब मोटा व्यक्ति होता है, तो और भी ज़्यादा वजन लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो हमने कहा था आपको बताया जाएगा, तो बिल्कुल अभी बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि वो भारी लगता है। तो देखिए, आपको पता है जब तक ये इंसान जिंदा है तो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, इधर से जो लगा रहा है आप इसको ध्यान दीजिएगा, सभी डायरेक्शन से जो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो काम करता है, ध्यान दीजिएगा क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके अंदर एक जो बॉडी है, ये बॉडी के अंदर जो है एक बीपी है, क्या है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन बाहर की तरफ लगेगा, सभी जहाँ फेंकेगा, तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ब्लड प्रेशर, इसको जो इधर से प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर सब जगह प्रेशर जो लगा करके जो बीपी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब तक ये लाश नहीं रहती है, जब तक ये जिंदा है तब की बात है, जैसे ही डेथ हो जाती है, ये तो आपका लाइव पर्सन है, अगर मान लीजिए डेड बॉडी हो गई, तो डेड बॉडी में क्या है, डेड बॉडी में ये केवल इस पर प्रेशर ही तो लगता है, और इसको न्यूट्रल करने के लिए अंदर से बीपी नहीं लगती है। इसमें बीपी लगेगी, बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो काम करेगा, इसमें बीपी काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा, केवल इसको दबाएगा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब इसको केवल दबाएगा ही तो वजन तो लगेगी ही लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मर जाता है कोई व्यक्ति, किसी कोई डेथ हो जाती है, तो उसको और वजन इसलिए हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लगता है, और उसको न्यूट्रल करने वाला जो ब्लड का प्रेशर था वो काम नहीं करता, क्योंकि मर जाते हैं जानते हैं दिल की धड़कन बंद ही हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर काम नहीं करता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू दिस कि लाश क्यों भारी लगती है। कोई व्यक्ति पूछे तो बिल्कुल बताइए, लाश इसलिए कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, लाश नहीं रहते हैं, इंसान रहते हैं, तब तक हमारा ब्लड प्रेशर काम करता है, जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्यूट्रलाइज करता है, और हम यहाँ रहने लायक रहते हैं। जैसे ही डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद बीपी काम करना बंद कर देता है, ब्लड प्रेशर काम ना करने का, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब पे लगता है, तो वही लगता है, इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा भारी लगता है मरने के बाद, इसीलिए भारी लगता है। ठीक है, इसके बाद तुरंत अभी वीडियो में बने रहिए अंत तक, इसमें हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग पहाड़ पे जाएंगे और बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि खाना बहुत देर में पकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसमें देखते हैं कि जो अगर हम लोग अर्थ पर रहते हैं, तो आप जानते हैं इस पर एक प्रेशर काम करता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बताया जा चुका है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चीज बताया जा चुका है। जैसे कि देखिए, हर चीज का, जैसे कि यहां हम लोग जो वाटर होता है, वाटर का एक अपना एक क्वथनांक होता है, क्या होता है, क्वथनांक, ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर को एक क्वथनांक होगा, और ये होता है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं, जो जल का क्वथनांक होता है, वाटर का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यहाँ पे हम जहाँ अर्थ पे खाना बना रहे हैं, तो जो यहाँ पे जो है मान लीजिए दाल इसमें रख दे रहे हैं, या कोई भी अलग चीज़ चना रख सकते हैं, कोई भी चीज़, तो ये कितने डिग्री पकेगी, 100 डिग्री पर, आसानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पक जाएगी। लेकिन जब इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, माउंटेन पर, सपोज करिए कि ऐसे माउंटेन पर, मतलब समझ लो अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ले जाते, ध्यान समझिएगा, समझना ही है, जैसे यहाँ पर ले जाएंगे हाइट बढ़ जाएगी। आपको पता है जब ऊंचाई बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, क्या घटता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ओके, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा।
तो हम लोग समझ लीजिए कि ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, ये पर्वत है। तो इस पर्वत पर जैसे ही हम लोग चले जाएंगे तो जमीन से या सी लेवल जो होता है वहां से, सी लेवल से हम लोग कुछ ऊंचाई पा लेते हैं, काफी ऊंचाई पा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको भाई सेना वगैरह जो है कभी पहाड़ों पर भी जाती है तो यहाँ पर जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर घट जाएगा, जैसे यहाँ का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब घट जाएगा तो यहाँ पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वथनांक का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पानी का घट जाएगा। जैसे यहाँ पर थे, जब जमीन पर थे बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री था, 100 डिग्री। जब आप सी लेवल पर थे, ग्राउंड लेवल पर थे लगभग माना जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर जाओगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा मान लो 85 हो गया, मान लीजिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये चूंकि यहाँ पर जो चावल दाल जो भी उबाला जाता था वो 100 डिग्री पर था, आसानी से पक जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप जो है माउंटेन चले जाते हैं, 85 डिग्री पर ही आप गर्म कर रहे हैं और उसको पकने के लिए 100 डिग्री पर आराम से पकता है। अब भाई जब घट गया 85 डिग्री गर्म करते रहो, काफ़ी टाइम तक आप गर्म करोगे तब जाकर ये पकेगा, कि 100 डिग्री गर्म करते तो आसानी से पक जाता, लेकिन 100 डिग्री नहीं गर्म कर पा रहे हो तो 85 डिग्री गर्म करते रहिए, तो आपको मतलब टाइम लगेगा खाना बनाने, क्योंकि क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, इसीलिए 85 डिग्री से। मान लो 85 भाई कितना ऊंचा पर्वत है इस पर डिपेंड करता है, एक हमने एवरेज लिया है, आप 90 या फिर 80 या 75 भी हो सकता है। जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा, क्वथनांक भी वहाँ पर घटता जाएगा। तो इसलिए खाना पकने में 85 डिग्री सेंटीग्रेड होने में खाना पकने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 100 डिग्री नहीं है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू दिस सम्स कि अगर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जल का क्वथनांक क्या होता अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, तो बिल्कुल जल का क्वथनांक घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। ऊपर जाओगे और जब आप पहाड़ पर जाओगे बेटा तो प्रेशर घट जाएगा, तो क्वथनांक जल का भी क्या हो जाता है, घट जाएगा। घटने पर आपको देर तक गर्म करना पड़ेगा, तब जा करके खाना आराम से पकेगा। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर आप देखे ही रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेशर कुकर है और इसके ऊपर आप जानते हैं जो लिड लगी होती है, इसमें एक ढक्कन भी लगी होती है, ठीक है। तो ये ढक्कन जब मतलब जो आप सपोज करिए जो जहाँ से गैस निकलती है, आप देखे होंगे इस तरह से, ये जो जैसे ज़्यादा होता है तो ये इसको दबाए रहता है, इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बात है वो तो इसके बाहर जो लगा है लगा ही रहता है, लेकिन इसके अंदर जो क्वथनांक हो जाता है वो बढ़ जाता है। पहाड़ पर जाते हैं तो क्वथनांक घट जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो जल का क्वथनांक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस इनसाइड द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, जब बढ़ मतलब मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खाना पकता है और प्रेशर कुकर के अंदर जो टेम्परेचर हो गया वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या 150 हो गया, तो क्या होगा, पकना चाहिए 100 पर ही आसान से, तो 100 तो बड़ी जल्दी हो जाता है, 150 हो गया, जिसको 100 में पकाने में जितना टाइम लग रहा है तो 150 बढ़ गया, टेम्परेचर जब बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया तो जल्दी नहीं पक जाएगा। तो बस यही बात याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन साइड द प्रेशर कुकर, और जो हम लोग पहाड़ पर जाते हैं तो यहाँ पर जब जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, डिक्रीज। माउंटेन पर जाते हैं तो डिक्रीज कर जाता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और अगर प्रेशर कुकर के अंदर ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर काम करता है,
बेटा हम लोग जो है यहाँ पर अर्थ पर हैं, तो अर्थ जानते हैं लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो जब ऐसे से खूब तेज घुमाओगे तो एटमॉस्फेयर भी घूमेगा। तो जब आसपास एटमॉस्फेयर घूमता है वही हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। एटमॉस्फेयर घूमता है मतलब एयर घूमता है, एयर का प्रेशर जब घूमता है तो हमारे ऊपर जो भी प्रेशर लगाएगा वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम समझ गए होंगे लास्ट लास्ट क्यों जो है भारी हो जाती है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना क्यों जल्दी पक जाता है, और माउंटेन पे जाते हैं खाना क्यों देर में पकता है। तो क्वथनांक, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हमने कर दिया अपने हिसाब से। बाकी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि आपको साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है सारी चीज़ की फिजिक्स आप अप टू 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। ओके, अपना एक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।